तो दोस्तों इंक्रोचमेंट के बाद जो यहाँ पर है भागम दौड़ लग गई है और सरिया लूटने के लिए बच्चे बहुत सारे घुस गए अंदर। दोस्तों उम्मीद है आप लोग करिए होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा आज जो आप मंजर देख रहे हैं ना, ये है कश्मीर पार्क का। यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जेल रोड से एक बड़ा सा चूल्हा लगा हुआ है, बड़े से चूल्हे के अंदर को दुकानें बनी हुई थी, आज उन्हें मेजबान किया जा रहा है। और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी बड़े पैमाने पर ये इंक्रोचमेंट की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पे इंक्रोचमेंट ड्राइव है, तो मैं आपको दिखाता चलूँ। वो पीछे है एक और ये दूसरी और ये साथ में तीसरी मशीन, और इसके बराबर में एक और चौथी मशीन। जल्दी जल्दी सामान उतारा जा रहा है, जल्दी जल्दी अपना अपना सामान उतार लें। तो ये कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। और ये ले जा रहे हैं भाई, जनरेटर ले जा रहे हैं। और अभी भी सामान को उतारा जा रहा है। तो आपकी भी यही दुकान थी? नहीं नहीं, हमारी सर वो भाई की थी, भाई सेंटर की। अच्छा भाई की थी। अच्छा इनकी दुकान थी। खैर बात तो लोग यहाँ नहीं करेंगे। और उस तरफ एक ट्रक की लोडिंग की जा रही है सामान के साथ, और यहाँ बहुत तेज से पैकिंग हो रही है सामान की। और काफ़ी बड़े बड़े और मज़बूत जो दरख्त हैं उन्हें भी उखाड़ के फेंक दिया है। ये हैं जड़े, देखिए कितना मज़बूत दरख्त है ये। तो यहाँ मैं अंदर के आपको मनाजिर दिखाऊंगा। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं और पुलिस को तलब किया हुआ है और किसी भी ना खुशगवार वाकई से निपटने के लिए। और ये सब दुकानें हैं जो बस अब यहाँ से टूटने लगी हैं। तो चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। और आज हम आपको यहाँ का आखिरी विजिट करा रहे हैं। यहाँ पर सभी अपना सामान समेट रहे हैं। शीशे टूटे हुए हैं, भाग दौड़ लगी हुई है। और ये शादी हॉल टाइप का लग रहा है, बैंक्वेट लग रहा है। हाँ ये बैंक्वेट ही है। तो यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू कराऊं। सामान ले जाया जा रहा है। तो अब मैं आपको
इस पार्क के पीछे वाला हिस्सा दिखाता हूँ। जो रास्ता लालू खेत सिंधी होटल की तरफ निकलता है, जो रास्ता लालू खेत सिंधी होटल की तरफ निकलता है वो कौन सा है भाई? वो है ये रास्ता, ये वाला रास्ता निकलता है लालू खेत सिंधी होटल की तरफ। जब आप सामने से आएंगे सब्जी मंडी से, इस वाले रास्ते को अख्तियार करेंगे और साथ ही साथ जब आप इस तरफ चलते जाएंगे तो आप सीधे निकल जाएंगे लालू खेत सिंधी होटल की तरफ। और काफ़ी सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ देख रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ का बैंक्वेट, और यहाँ बाहर की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ा ये बैंक्वेट है, एक फ्लो टाइप जो बनाया था ना, आशा शादी ब्याह का जो फैशन में बहुत इन है। भाई वायरिंग सारे बल्ब वगैरह खींचे, पकड़ के शीशे वगैरह टूट गए। तो ये यहाँ से खंडर हो चुकी है और सामने मशीनें काम कर रही हैं। और इस वाली मशीन को तो थोड़ा रेस्ट दे दिया और उधर मुसलसल काम करके मशीन। दोस्तों अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, ये देखिए ये भी सारा सामान बिखरा हुआ है, यहाँ पर शीशे वगैरह टूटे हुए हैं। दोस्तों ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, मुझे लग रहा है इसमें दो तीन दिन लगेंगे क्योंकि 80 से ज़्यादा दुकानें हैं और टाइम तो लगेगा क्योंकि वो बिल्कुल ही पक्की दुकानें हैं, तो कच्ची तो है नहीं। शादी हॉल और 80 से ज़्यादा दुकानें, तो जाहिर सी बात है उसको पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन इस बेचारे दरख्त का कोई कसूर नहीं है, ये बीच में आया हुआ है और मुझे लगता है कि अगर ये इसे गिराया नहीं गया तो ये हवा से खुद ही गिर जाएगा।
वाली मशीन का तो रेस्ट दे दिया है, उसका ड्राइवर गायब हो गया है। और यहाँ पे जो दूसरी शावल है वो नॉन स्टॉप काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये जो डिस्पार हुई है ये KMC की जानिब से इसको प्लान को तश्किल दिया गया और नोटिस लिया गया था कोर्ट की जानिब से। और मैंने आपको दिखाया कि ऊपर कितनी सारी, नीचे भी कितनी सारी बेसमेंट में दुकानें हैं और ऊपर जो बैंक्वेट टाइप के शादी हॉल होते हैं वो बने हुए हैं। और इस वक्त कई हद तक काम को तो पूरा करा है यहाँ पर। एक्सीवेटर जो है यहाँ पर दिल जमी से काम कर रहे हैं। अच्छा इसके ड्राइवर कहाँ गया भाई, इसके ड्राइवर तो गायब है। तो सारी दुकानों को तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है जो गैर कानूनी है और उन्हीं की शामत आनी है। तो भैया अब अनलीगल काम करने से पहले सोच लें, क्योंकि नोटिस हो रहा है सब चीज़ों का, कभी भी शामत आ सकती है। और साथ ही साथ जो दरख्त थे बेचारे वो भी शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट आप लोगों से, फिर एक नई वीडियो में मुलाकात करूँगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।